एमरस्टोन मैप के लेट्स प्ले 14 में आप सबका वेलकम है गाइस। और आज की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेल्स जो है वो बना के रखी हुई हैं। और पिछले गेम प्ले में मैंने आप लोगों को बोला था अच्छा जी, पिछले गेम प्ले में मैंने आप लोगों को बोला था कि यार ये जो फील्ड है ना जिसके ऊपर मैंने ग्रास प्लांट किया है, सो इसके ऊपर मैंने ग्रास जो है वो रहने नहीं देना, मैंने इसको जो है वो ग्रास को जो है वो ख़त्म कर देना है। सो आज के गेम प्ले में हम तकरीबन यही काम करने जा रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस बेलर को यहाँ पे डिसकनेक्ट करते हैं और इसको जो है वो पहले मेरे ख्याल से कुछ मज़ीद बेल्स जो हैं वो रैप कर लेते हैं, क्योंकि रैप्ड बेल्स हमारे पास कम है और ग्रास बेल्स तो जो है वो फिर डेफिनेटली बनाना थोड़ा सा ईजी भी है। अबे ये बेल इतनी दूर क्या कर रही है, चलो इसको यहीं से उठा लेते हैं। अरे यार कितना साइड पे जाके ये ओपन होता है। सो, यहाँ पे गाइस मेरा भी जो फ़िलहाल प्लान है वो यही है कि ये जो बेल्स पड़ी हैं ना इनमें से आधी को जो है वो मैं रैप कर दूंगा और आधी जो है मैं वैसे ही एज अ ग्रास बेल जो है वो उठा के स्टोर कर लूँगा, जस्ट इन केस मेरे जो है वो शीप को ग्रास चाहिए और मेरे पास अवेलेबल ना हो इंस्टेंटली मूव्ड ग्रास। वैसे तो ऐसा कभी होने नहीं वाला, बट फिर भी थोड़ा सा मतलब कि टू बी ऑन दी सेफ साइड हम लोग जो है ये ग्रास बेल्स थोड़ी सी जो है वो छोड़ देंगे, सो ताकि जस्ट इन केस कहीं पे भी हमें ज़रूरत पड़े तो ये ना हो कि हमारे पास जो है वो ग्रास हो ही ना किसी भी तरह का। सो, यस, और इसके बाद हम लोग जी इस फील्ड के ऊपर जो है वो कॉटन प्लांट कर देंगे। आई गेस इट्स टाइम कि हम लोग जो है वो कॉटन की तरफ बढ़ें, क्योंकि जो क्लॉथ की है ना प्रोडक्शन वो गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल और लुब्रिकेटिव मेरे को लग रही है इस टाइम के ऊपर। सो मैं जो है वो फुल्ली उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी जो वारे न्यारे हैं ना ज़्यादातर तो जो है वो उसी की वजह से जो है वो हो रहे हैं। सो, अभी तक भी जो है वो उसी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मौजें लगाई हुई हैं। सो, जब से हमने जो कॉटन के मतलब कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है पैसों की, एक दो पैलेट जो है वो सेल करता हूँ तो इंस्टेंटली जो पैसों की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। सो, ये एक जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है कॉटन की, मतलब कि वो एक तरह का ना इंस्टेंट कैश आप लोग स्टोर कर लेते हो। सो, मेरा तो बस मतलब कि अब जो है वो उसी की तरफ जो है वो ज़्यादा, हाँ उसको जब वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी तब जो उससे पैसा आएगा फिर जाहिर है सरप्लस पैसे होंगे, तो हम फिर थोड़ी सी लेस प्रॉफिटेबल जो मुझे फ़िलहाल लग रही हैं, लाजमी नहीं है कि वो हों भी, तो जो मुझे थोड़ी सी कम प्रॉफिटेबल जो है वो प्रोडक्शंस लग रही हैं तो फिर हम उनकी तरफ भी जो है वो बढ़ना शुरू कर देंगे। सो, यहाँ पे अच्छा ये बेल्स तो हम रैप करते ही रहेंगे साथ साथ। सो, यहाँ पे ना बेसिकली इस वाले ट्रैक्टर को, अच्छा यार ये ना इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे पार्क करता हूँ। वहाँ पे छोटी सी जगह पे ना बहुत ज़्यादा टूल पार्क हो गए हैं। सो, एक तो वहाँ पे कोई टूल निकालना बड़ा मसला है और दूसरा ये है कि एक ही जगह पे इतने टूल पार्क करने से ना गेम लैग करना शुरू कर दिए। अच्छा, क्योंकि फिर हमने जो है वो कॉटन प्लांट करनी है तो ये जो छोटे फील्ड है ना इनके ऊपर जो है मैं फिर सोयाबीन प्लांट करने जा रहा हूँ, और जो बड़े दो फील्ड हैं उनके ऊपर जो है वो मैं कॉटन प्लांट कर दूँगा, क्योंकि कॉटन का पता ही आपको यील्ड थोड़ा सा कम मतलब के होता है इस तरह का कि वो एक बेल निकालनी होती है हार्वेस्टर में वो बहुत ज़्यादा उसको जो है वो टाइम लग जाता है। तो हो सकता है कि ये जो दो बड़े फील्ड हैं जिनके ऊपर मैंने कॉटन प्लांट करनी है, हो सकता है इनमें से एक बेल भी जो है वो ना निकले, सो, इस वजह से जो है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा एरिया जो है वो रिज़र्व कर रहा हूँ। और सोयाबीन इसलिए क्योंकि अभी भी हम ऐसे स्टेज पे तो हैं ही कि कभी भी जो है वो पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। अभी क्योंकि कॉटन तो मैं प्लांट करने जा रहा हूँ, अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि मेरे पास इतने पूरे पैसे होंगे कि मैं जो है वो कॉटन हार्वेस्टर बाय कर पाऊँगा या नहीं। मुझे तो लगता है होंगे क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है वो कनोला ऑयल पड़ा हुआ है, फिर क्लॉथ्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। ये जो थोड़े बहुत पैसे हैं ये मैं जो है वो सोयाबीन्स वगैरह जो है वो सेल करके जो है वो कर लेता हूँ, और कुछ जो है वो मैंने अपने जो है वो क्या बोलते हैं यार उसको, एक अभी ये जो पैसे किए हैं ना मैंने, पता नहीं वैसे यार इतने में सीडर आएगा अभी, वो तो मैंने चेक ही नहीं किया। तो मैंने अभी बाय करना था प्लांटर और हाँ भैया आ जाएगा इतने में। सो, ये जो अभी पैसे आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरे ख्याल से मैंने एक सेल किया था क्लॉथ का पैलेट, और कुछ पैलेट्स जो है वो मैंने सेल किए थे उसके कनोला ऑयल के, और कुछ जो बाकी रह गई थी सोयाबीन वो सेल किए थे। तो मिला जुला के ना ये इतने पैसे जो है वो मेरे पास हो गए।
ओके सो अभी भी मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो मैं जो है वो रैप्ट बेल्स ही बनाऊंगा यहाँ पे, और ग्रास बेल्स जो है वो थोड़ी सी कम ही रखूंगा, क्योंकि वैसे भी हमारे पास लूज़ क्वालिटी, मतलब जब इंस्टेंटली ज़रूरत पड़ती भी है तो हमें जो है वो लूज़ ग्रास इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाता है, सो उसमें इतना जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। सो इसलिए मैं जो है वो थोड़ा सा रैप्ट बेल्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ये जो अगली रो पड़ी है इसको हम लोग मज़ीद जो है वो कन्वर्ट कर देंगे रैप्ट बेल्स में, उसके बाद जो है वो फिर जो बाकी की बचेंगी वो हम जो है वो ऐसे ही रहने दें ग्रास बेल्स को। तो ये वाली रो जो है वो हम मज़ीद रैप कर देते हैं, राइट। थोड़ा सा वैसे लेंथी है प्रोसेस एक बेल रैप करने में। अच्छा, अभी मैंने पिछले गेम प्ले में आप लोगों को ये सेल करके दिखाई थी रैप्ट बेल्स, और आप में से आपसे मैंने आप लोगों का जो है वो रिव्यू पूछा था, तो बहुत से लोग इसी चीज़ के ऊपर एग्री कर रहे थे कि ये रैप्ट बेल्स बेचने से बेहतर है बंदा सोयाबीन के ऊपर ही काम करे। सो यस, वो सोयाबीन तो जो है वो तो है ही है, एक प्रोसेस तो उसका तो जो है वो है ही है, क्योंकि उसमें जो है वो फिर अगेन मैंने बोला था कि इसमें जो है वो फिर आपको मैनुअल काम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ना तो आप बेलिंग के ऊपर हेल्पर हायर कर सकते हो, ना बेल रैपिंग के ऊपर हेल्पर हायर कर सकते हो, बाकी इस काम आप सारा ऑटोमेट कर सकते हो। लेकिन जो सोयाबीन है उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि उसमें जो है वो आप चाहो तो मतलब के सारे काम जो है वो हेल्पर लोगों से करवा सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना है तो आपने सो वो आप कर सकते हो, सो आपको सारा खपने खपाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन दिस केस, इसके केस में ऐसा नहीं है, ये आप चाह के भी जो है वो हेल्पर हायर नहीं कर सकते, क्योंकि होंगे ही नहीं हेल्पर इन चीज़ों के ऊपर, हायर ही नहीं होंगे हेल्पर। सो मेरे ख्याल से गाइज एक रो और पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम बस कर देंगे। ओके, काफ़ी सेटिस्फाइंग है ये भी प्रोसेस रैप्ट बेल्स का। ओके, तो ये बस जी फाइनल रो है, इसके बाद हम लोग जो है वो बस कर देंगे, बाकी जो ग्रास बेल्स होंगी उनको हम लोग जो है वो वैसे ही पिक कर लेंगे। तो ये वाली जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं कितनी, इसके बाद जो है वो तीन मज़ीद ग्रास बेल्स जो है वो रह जाएंगी, जिनको अभी हमने जो है वो रैप करना है। तो गाइस जो कॉटन का प्रोसीजर है ना, उसमें ये है कि ये जो प्लांटर है ना, ये जो एज अ पार्ट ऑफ डीएलसी, मैंने एक ही डीएलसी बाय किया वीडियो बनाने के लिए और वो यही वाला था, और अनफॉर्चुनेटली मैं उसको जो है वो बना भी नहीं सका वीडियो उसके ऊपर। बाय मैंने ये इसलिए किया था कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैं ये दिखाना चाहता था कि अगर आप डीएलसी जो है वो बाय कर लेते हो, सो वो ऐसा नहीं है कि बाद में अगर वो जिस प्रोफाइल में आपने वो डीएलसी बाय किया अगर उसको डिलीट करोगे तो वो आपका डीएलसी भी जाता रहेगा, ऐसा नहीं है। सो जैसे ही आप डीएलसी बाय करते हो तो वो परमानेंटली जो है वो परचेज हो जाता है, सो फिर आप कोई भी प्रोफाइल जो है वो करते हो तो उसमें जो है वो बाय ही हुआ होता है, फिर आप चाहे कोई सा भी प्रोफाइल चूज़ करो तो उसमें जो है वो डीएलसी परचेज ही होता है। हाँ, ऐसा मैंने ट्राई नहीं किया कि गेम को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके देखूं कि फिर भी डीएलसी परचेज का ऑप्शन रहता है या नहीं, सो ऐसा मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। सो एंड्रॉयड के ऊपर जो है मैं कभी कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे भी जो है वो डीएलसी हमारे पास ही रहेगा। ये क्या सिस्टम है? ओके, सो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो है वो डीएलसी अनपरचेज हो जाएगा, या फिर जो हमारी जो हमने बाय किया होगा वो ख़त्म हो जाएगा, हमें दोबारा बाय करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से दोनों केसेस में जो हमने एक दफ़ा डीएलसी परचेज़ कर लिया वो हमारा ही रहेगा, और उसको जो है वो दोबारा परचेज़ करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। बट एनीवेज़ मैंने जो है वो नहीं अटेम्प्ट किया है कि अगर हम गेम को अनइंस्टॉल कर दें तो फिर क्या होगा। सो ये स्टिल नीड्स, बिकॉज हो सकता है कि जो हम डीएलसी परचेज़ करते हैं उसकी भी कोई लोकल फाइल से वो अगर हम गेम रीइंस्टॉल करें और हमने जो है वो लेट्स सपोज साइन इन ना किया हो तो वो दोबारा बाय करने का ऑप्शन आ जाए, तो इसके ऊपर मेरी अभी तक जो है वो कोई रिसर्च नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया कि क्या होगा। एनीवेज़, तो फ़िलहाल तो हम लोग ये रैप्ट बेस जो है मज़ीद यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं काउज अपनी फार्म पे लेके आऊँ इस मैप में, सो पूरी तरह से मैं प्रिपेयर हूँ,
और अभी तक तो जो है वो मैंने स्ट्रा बेल्स ही नहीं बनाई, सिर्फ और सिर्फ ये साइलेज बेल्स और ये थोड़ी बहुत ग्रास बेल्स ही बनाई हैं। तो स्ट्रा भी डेफिनेटली काउस को चाहिए। एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि काउस को या किसी भी एनिमल को इस फार्मिंग सिमुलेटर 23 में अब पानी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे फेसबुक ग्रुप में इतने लोग बेवकूफ़ हैं कि वो अभी भी उल्टा वो पूछ रहे होते हैं कि भाई मैं पागल हो गया हूँ, मेरे को पानी कहीं पे नहीं मिल रहा। अरे भाई अगर नहीं मिल रहा तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि गेम में पानी नहीं चाहिए। लेकिन लोग जो है वो बावले हुए पड़े हैं वहाँ पे ग्रुप में और वो बार बार पोस्टें कर रहे हैं कि भाई पानी कहाँ पे है, पानी कहाँ पे अनलोड होगा और कहाँ पे मैं जाके। अरे भाई नहीं चाहिए इस दफ़ा एनिमल्स को पानी, और ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप है। क्योंकि फार्मिंग सिमुलेटर 20 में तो भाई ये था कि अगर फीड पूरी कर दो तो पानी कम पड़ जाता था, पानी पूरा करो तो फीड कम पड़ जाती थी, तो बंदा इसी चक्कर में लगा रहता था। और जो आपकी मेन गेम थी, जो आपका फोकस था फार्मिंग के ऊपर, वो टोटली जो है वो लॉस हो जाता था। उसके ऊपर आपका जो है वो कंसंट्रेशन ही बहुत कम या ना होने के बराबर रह जाता था। और फार्मिंग सिमुलेटर 22 में तो फिर काउस का जो है वो ज़्यादा 19 में जो है वो काउस ज़्यादा रखने का ऑप्शन भी था। तो वहाँ पे तो ऐसा होता था कि हर रोज़ एक टैंकर भर के जो है वो अनलोड करना पड़ता था, वरना काउस जो है वो मर जाती थी प्यास से और वो पानी पूरा नहीं होता था। तो ये बड़े मसले मिसाइल थे, जान छुटी इससे कि अब पानी जो है वो नहीं चाहिए होता है। लेकिन लोग जो है वो शायद अभी भी इस चीज़ में हैं कि भाई अब शायद लोग इसमें रियलिज्म के कुछ निकालें। तो भाई मेरे को ऐसा रियलिज्म पसंद नहीं है जिसमें आपकी जो है वो जान ही अटक के रह जाए। गेम का मकसद इंटरटेनमेंट होता है, ना कि एक हाइपर रियलिस्टिक जॉब क्रिएट करना जो कि आपको मज़ीद उल्टा स्ट्रेस में जो है वो डाल दे। सो मुझे इस तरह की गेमें नहीं पसंद जो आपको रिलैक्स करने के बजाय, इंटरटेन करने के बजाय मज़ीद आपके लिए जो है वो एक मतलब बंदा अपनी परेशानियों से भागने के लिए जब वो गेम खेलता है और वो गेम में चलाए पता चलाए तो उससे पता लगे कि जी मेरी लाइफ की परेशानियों से भी बड़ी परेशानियां जब वो गेम में आन पड़ी हैं। सो ऐसी गेम का भी मतलब क्या करना है। सो मेरी समझ से बाहर है कि लोग इस तरह की हाइपर रियलिस्टिक गेम्स की जो डिमांड क्यों करते हैं। फार्मिंग सिमुलेटर 17 इतनी ज़बरदस्त गेम थी, एक स्टाइलाइज्ड गेम थी, मेरे को खेली मैंने तो मेरे को बहुत मज़ा आया। जब से फार्मिंग सिमुलेटर 22 आई हैं तो ये जायंट सॉफ्टवेयर वालों ने हाइपर रियलिज्म की तरफ जो है वो एक अपनी अप्रोच ली है। और मुझे टू बी ऑनेस्ट अब ये वाली गेम्स उतनी एडिक्टिव नहीं लगती जितनी फार्मिंग सिमुलेटर 17 लगती है। और अभी भी मेरा जो है वो अक्सर दिल करता है तो मैं इंस्टॉल करके फार्मिंग सिमुलेटर 17 खेलता हूँ, बावजूद इसके कि मेरे पास फार्मिंग सिमुलेटर 22 है जिसमें सारे DLC मेरे पास हैं, फार्मिंग सिमुलेटर 19 है जो कि मैंने सारे DLC उसके पास हैं। लेकिन जो मज़ा फार्मिंग सिमुलेटर 17 खेलने का आता है वो उसकी कोई रीस नहीं है। और क्योंकि गाइस वो बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज थे, उसमें इन्वायरमेंट था, उसमें एम्बियंट नॉइज़ कुछ इस तरह के थे, तो वो उसका अलग ही एक लेवल था। तो अब ये हाइपर रियलिज्म के चक्करों में पड़ गए हैं लोग, इनको कहते हैं कि जी इसको रियलिस्टिक बनाओ। तो ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें। अभी वो फार्मिंग सिमुलेटर 22 में अभी रिसेंटली एक मोड आया था GPS या ऐसे करके था, तो उसमें ये था कि भाई आप नॉर्मली फर्टिलाइज़ नहीं कर सकते, उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो आप लगाते थे अपने मैप के ऊपर और वो आपको बताती थी कि किस फील्ड के किस पोर्शन में जो है वो आपने लाइम स्प्रेड करना है, किस पोर्शन में जो है वो आपने फर्टिलाइज़र स्प्रेड करना है, किस पोर्शन में आपने जो है वो फर्टिलाइज़र स्प्रेड नहीं करना। ये सारा कुछ एक ही फील्ड में हो रहा था, मतलब एक ही फील्ड के ऊपर इतना काम करो कि उसका ख्याल रखो कि कौन से एरिया में फर्टिलाइज़ करना है, कौन से में नहीं करना, और कौन से एरिया में लाइम स्प्रेड करना है, कौन से एरिया में नहीं करना। अबे लाना तो ऐसी गेम के ऊपर, मतलब एक ही फील्ड में इतने ज़्यादा चौंचले, भाई मेरे को तो बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ पसंद नहीं है। सो मैं जो है वो हाइपर रियलिस्टिक मुझे गेम नहीं चाहिए, मेरे को एक ऐसी गेम चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत लॉजिक हो और बस वो काम करती हो, ठीक है, जैसे इस गेम में फ्रंट लोडर्स हैं, ठीक है। अब वैसे तो इन्होंने ये ट्रेलर निकाल के इंतहाई चबल मारी है, मतलब फ्रंट लोडर्स का वो काम ही ख़त्म कर दिया। मतलब अब ट्रेलर ही अगर सारा कुछ कर देगा तो कौन बेवकूफ़ होगा जो फ्रंट लोडर्स को यूज़ करेगा और क्यों करेगा। सो मेरी समझ से बाहर है। सो आई डोंट नो कि क्या मतलब what they were even thinking और कौन होगा वो शख्स जो कि मतलब इस ट्रेलर के होते हुए भी फ्रंट लोडर बाय करेगा और क्यों करेगा। मुझे में ये इस चीज़ की नहीं समझ है और ये मतलब सारी चीज़ें हैं।
बात मैं ये कर रहा था कि इस गेम में जो जैसे फ्रंट लोडर काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉजिक है कि आप उसको पैलेट के करीब लेके जाओगे वो पैलेट उठा लेगा, उसको ट्रेलर के करीब लेके जाओगे वो अनलोड कर देगा। अब लोग इसमें भी हाइपर रियलिज्म मांग रहे हैं कि जी वो खुद से क्यों कर लेता है, हमें क्यों। बाद में जब करने की बारी आई ना, तो इन लोगों से दो पैलेट से ज़्यादा नहीं रखे जाने, और बाद में इन्होंने पीटना है कि यार ये क्या है, ये अभी मैं पैलेट रखता हूँ तो एक रखता हूँ तो दूसरा पैलेट गिर जाता है। अबे भाई क्या, तू तो रियल लाइफ में जाके तू जॉब कर लेना, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर बन जा, हद है यार। एनीवेज कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया लेक्चर, तो अभी ये जल्दी जल्दी से गाइज में थोड़ी सी मज़ीद बिल्स रह गई हैं, इनको पिक करूँगा, फिर हम बाय करेंगे प्लांटर। आज का गेम प्ले कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सा जो है वो लंबा ही लेके चलूं, और यूजुअली जो है वो हम 20-25 मिनट के करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लंबा गेम प्ले करने वाला हूँ, और मैं ये कट नहीं करूंगा गेम प्ले। सो अगर आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो उकता चुके हैं ये रिपीटेटिव गेम प्ले देख के, तो थोड़ा सा आप जो है वो गेम प्ले को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो अभी बेल रह गई हैं ये मैं उठाऊंगा ही उठाऊंगा, और इनको उठाने के बाद अबे आई होप कि ये गायब हो जाएं, क्योंकि वो हमारा जो है वो अटक चुका है आगे से। थैंक गॉड वो आगे पानी वाला वो पड़ा हुआ है, कुछ क्या बोलते हैं यार इसको, टब सा इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई है जिसमें पानी वगैरह होता है यूजुअली, तो उसमें इसका आर्म जो है वो स्टक हो गया है। गलत डायरेक्शन से आ गया था मैं, इसका मतलब है दूसरी डायरेक्शन से आना चाहिए था। ओके जी, तो ये वाला जो फील्ड है ना, अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर मैं ग्रास जो है वो नहीं कर सका मूव, टाइम नहीं मिला मुझे टू बी ऑनेस्ट, और ध्यान भी नहीं पड़ा इसके ऊपर टाइम जब मिला। अबे यार लॉज, आप लोग शायद समझ रहे होंगे मैंने जानबूझ के किया है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कसम से जानबूझ के नहीं किया, मतलब मैं क्यों करूँगा यार ऐसे, अभी मेरे को वो रीसेट करना पड़ेगा और वो अलग से काम बढ़ गया है। ट्रैक्टर एयरबोर्न हुआ और उसके बाद वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहा। शेट यार। ओके, तो अभी इनमें से कौन सी बेल पहले उठाऊं, दोनों एक ही लेवल पे पड़ी हुई हैं, इसको पहले उठाते हैं। ओके, अब वो वाली उठा लेते हैं। ये वाली भी उठा ली, अब ये दो लास्ट रह गई हैं, इनको भी उठाते हैं। ऑल राइट, वन मोर। ऑल राइट, तो ये फाइनली बेल्स जो है वो हमने कर लिए हैं जी कंप्लीट सारी की सारी, और अभी ये मोवर पता नहीं यार उठेगा भी या नहीं, या इसको रीसेट ही करना पड़ेगा, समय से बाहर है। चलो अबे यार इसका ये आर्म बाहर ही था, फार्म काव फार्म के अंदर से होते हुए जा रहे हैं जी हम। काव फार्म को भी लगे कि भाई बस अभी हम परचेज करने ही वाले हैं इसे। चलो जी यहाँ से टर्न लेते हैं आराम से, और यहाँ पे अनलोड कर देते हैं। अच्छा कभी कभी इस ट्रैक्टर की ना आवाज़ नहीं आती इस गेम में, एंड आई एम रियली शॉक्ड, पता नहीं क्या ये ट्रैक्टर, वैसे मुझे लगता है म्यूट म्यूट मोड पे चला जाता है। ओके जी, तो ये हो चुका है जी काम ख़त्म हमारा बेल कलेक्शन वाला। अभी आप किधर स्टक हो गया, लो जी गाइस लगता है पूरी गेम ही स्टक हो गई है। पता नहीं यार ये क्या सीन था, कोई इनपुट काम नहीं कर रहा था यहाँ पे, थैंक गॉड मुझे लगा मेरी गेम फ्रीज हो गई है। वैसे यार पता नहीं क्यों लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई उनकी गेम थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि जी उनकी गेम बार बार क्रैश हो रही है। थैंकफुली मेरे अभी तक कोई इस तरह का इशू नहीं आ रहा, और अनफॉर्चुनेट भी है कि शायद मेरे आया होता तो मुझे पता होता किसको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। मैंने अपने ग्रुप में भी बहुत सी पोस्टें जो है वो लोगों की देखी हैं, और लोगों से पूछा भी है कई लोगों से, उनको भी कोई सलूशन नहीं मिल रहा। सो
सो गाइस ये सोल्यूशन तो आप डेवलपर्स ही दे सकते हैं, और वो शायद अभी जो है वो पता नहीं अपडेट के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं। सो ये सारे इश्यूज जो हैं वो अपडेट ही फिक्स कर सकती है। सो अगर आप लोग ये इश्यूज फेस कर रहे हो, सो मेरा नहीं ख्याल कि अपडेट के बगैर ये जो है इश्यूज फिक्स होने वाले हैं। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ और ख़ुद इस ट्रैक्टर से निकल आता हूँ। यहाँ पे व्हीकल सेक्शन में जाके मैसी फर्गसन 8S को यहाँ पे कर लेते हैं जी रीसेट। और अभी हम शॉप के अंदर जाते हैं, ये वाला प्लांटर जो है वो बाय करते हैं, और ये चीज़। और अभी हम इसको करते हैं जी कनेक्ट। एक ही चीज़ डाउन साइड है इस वाले प्लांटर की, वो ये है कि इसमें जो है वो सीडर फर्टिलाइजर जो है वो नहीं डलता। अभी यहाँ पे फार्मिंग सिमुलेटर 22 होती तो इसको मूड बना लेते, इसमें जो है वो फर्टिलाइज़र भी फिट कर लेते, लेकिन ये है फार्मिंग सिमुलेटर 23 जिसमें मूडिंग जो है वो इलीगल है। और अगर आप मूडिंग वाली वीडियोस डालोगे यूट्यूब के ऊपर तो जायंट्स की तरफ से जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और आपका चैनल ऐसे ही लुढ़क जाएगा जैसे अभी ये ट्रैक्टर लुढ़कने लगा था। सो मुझे तो भाई अपना ये चैनल जैसे भी है, बेशक इससे अर्निंग शर्निंग कुछ नहीं हो रही, लेकिन एक अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है आप सब लोगों की। इतने लोग जो है वो यहाँ पे प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। सो भाई मुझे तो ये चैनल अपना बहुत अजीज़ है, तो मैं नहीं चाहता कि ये चैनल जो है वो डिलीट हो जाए यूट्यूब से। सो मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ मूडिंग वाली, और लोग मुझसे बकायदा आके पूछ रहे होते हैं कि भाई मूड कैसे डाले। अभी भाई मेरे को कब देखा आप लोगों ने मूड डालते हुए? तो भाई मैं मूड जो है वो नहीं लगाता, और ना ही मैं शायद कभी लगाऊंगा जब तक डेवलपर्स जो है वो ऑफिशियली अलाउ नहीं करते। तो जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे तो मैं तो मोडिंग वाली वीडियोस जो है वो नहीं बनाऊंगा। ओके जी, मेरे ख्याल से फिर हम ये वाला छोटू फील्ड जो है वो इसके ऊपर भी कॉटन ही प्लांट कर देते हैं। कॉटन ये रही कॉटन, और बड़ा अजीब सा यार ये प्लांटर है, लेकिन इसकी एक ही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि ये ना डायरेक्ट सीड कर देता है एक प्लांटर होके भी, जो कि मेरे लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ना हैरत वाली बात है कि एक प्लांटर होके भी ये डायरेक्ट सीड कर देता है। और यहाँ पे अमेजोन सिटन जैसे बेशर्म सीडर हैं जो कि ये काम नहीं कर सकते। सो मेरे समझ से बाहर है, अब मैं क्या बोलूँ डेवलपर्स को कि मतलब एक तरफ सीडर जो कि मतलब मस्ट है कि उसको डायरेक्ट सीड करना चाहिए, वो डायरेक्ट सीड नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ ये गरीब प्लांटर हैं जो कि मतलब देखो बेचारा। सो एक मेरे ख्याल से ये भी रीज़न है कि शायद ये उन्होंने लॉक किया हुआ है एज अ DLC, कि ये जो है वो इसी फीचर की वजह से, क्योंकि शायद उनको पता था कि हम लोग जो है वो ये फीचर ज़रूर यूज़ करेंगे। सो मुझे नहीं पता आप लोगों का, लेकिन अगर मैंने कॉटन का सेटअप करना होता, मेरे पास ये सीडर ये वाला DLC नहीं होता, सो मैंने इसको लाजमी बाय कर लेना था। अभी तो खैर मैंने अभी भी किया हुआ है, लेकिन अगर लेट्स सपोज ये तो चलो मैंने उस वक्त एज अ टेस्ट करने के लिए जो है वो वीडियो में बाय कर लिया था, हालांकि मैं बड़ा इस सूरत में जो है वो ख़ुद को लकी फील करता हूँ। मैं कोई फजूल सी ट्रेलर वगैरह भी या कोई और चीज़ भी बाय कर सकता था, बट मैंने जो है वो यही बाय किया। सो लकीली क्योंकि बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई DLC बाय नहीं करूँगा। सो दिस इज़ द ओनली DLC आई हैव ऑन एंड्रॉयड, जबकि iOS के ऊपर मैंने सारे के सारे जो है वो DLC बाय किए हुए हैं, और यहाँ पे कोई भी DLC मैंने परचेज नहीं किया सिवाय इसकी। और अगेन ये गाइस इसकी मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी चीज़ लगी है कि ये वाला सीडर जो है ना ये डायरेक्ट सीड करवा देता है भाई, प्लांटर है सॉरी सीडर बोल रहा हूँ, इस सीडर बोल के इसकी जो है वो इज़्ज़त कम हो जाती है यार। ये वाला प्लांटर है अच्छा, ओपन होने के बाद मतलब अच्छा खासा ये स्टेबल है और आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप मेरे जैसे ना हो तो, जैसे अभी मेरे से ये जो है वो स्लाइडर टच ही नहीं हो पाया प्रॉपरली। ये भी अलग से मसले मसाइल है, कभी मैं कंट्रोलर और कभी ये टच इनपुट्स के दरमियान जो है स्विच करता, और एंड्रॉयड के ऊपर मैं कंट्रोलर इसलिए कनेक्ट नहीं करता ना। अगेन मैंने कई दफ़ा समझाया बताया, लेकिन एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। रीज़न नंबर वन बेइंग क्योंकि एंड्रॉयड के ऊपर ज़्यादातर लोग जो है वो कंट्रोलर के साथ नहीं खेलते, सो वाई शुड आई।
और मैं चाहता हूँ कि मेरा गेम प्ले जो है वो आपको देख के ऐसे ही लगे कि जैसे आप खुद गेम खेल रहे हो, और हालांकि शायद आप मुझसे बेहतर ड्राइव करते होंगे। और दूसरी रीज़न ये है कि आई कंट्रोलर जो है वो आईपैड के साथ कॉन्फ़िगर होता है, तो उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म करके मुझे इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना पड़ता, फिर वापस से जो उसके, और मुझे ये है ना, ये झंझट बिल्कुल सिरे से ना पसंद है, सो इस वजह से। वाओ गाइस, तो देखा आपने कैसे हमने बिल्कुल थोड़े टाइम में जो है वो पूरा का पूरा कॉटन प्लांट कर दिया फील्ड के ऊपर, और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। ये होती है एफिशिएंसी, इसे कहते हैं फुर्तियाँ। और यहाँ पे जी अभी यहाँ पे तो मैं करने लगा हूँ जी हेल्पर हायर, क्योंकि इतने बड़े फील्ड में मेरे से नहीं होगा ये, तो यहाँ पे कर देते हैं जी हेल्पर लगा देते हैं। जो दूसरा ट्रैक्टर था, कभी कभी तो ना मेरे से मैनेजमेंट के काम बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। इस वाले को अभी यहाँ पे हम अगले फील्ड में, बल्कि अगले फील्ड में तो हमने अगेन करनी है प्लांट कॉटन, सो इसको अभी मैं लेके चलता हूँ सीडर को साइड पे, और यहाँ पे इसको मैं पार्क कर देता हूँ ये वाला सीडर। वैसे अब मेरे को एक सीडर बेच देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी मैं दोबारा वापस ये सोयाबीन वगैरह की तरफ आऊँगा अभी, क्योंकि इतनी पैसे लगा के अगर मैं ये कॉटन का सेटअप कर रहा हूँ, सो मेरे ख्याल से मैं तो फिर कॉटन अभी थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए प्लांट करूँगा। मेरे ख्याल है कि मुझे एक सीडर जो है वो सेल आउट कर देना चाहिए, जस्ट इन केस, अगर जब हमारे पास अगर पैसे कम पड़े ना कॉटन हार्वेस्टर के, तो मैं एक सीडर जो है वो सेल आउट कर दूँगा। चलें जी, यहाँ पे हायर कर दिया है हमने हेल्पर, क्योंकि अगर इसको हम खुद करते तो ये साइडों वाला ग्रास जो है वो पकड़ लेता है, और यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो मैस क्रिएट हो जाती है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे हेल्पर हायर कर दिया है। और ये ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए ताड़ियाँ। और इस ट्रैक्टर के अंदर, इसके ट्रैक्टर के साथ जो है वो सोयाबीन है, तो इसको हम एम्प्टी कर देते हैं। हार्वेस्टर जो है वो फ़िलहाल यहीं पर खड़ी रहे, और अभी एक ही फील्ड में हमने सोयाबीन प्लांट की है, तो हार्वेस्टर के इसके भी शायद 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 अभी दिन पूरे हो जाएं। और अभी क्योंकि कुछ नेक्स्ट गेम प्लेज में जो है मैं फुल ऑन कॉटन ही कॉटन प्लांट करूँगा, सो इस वाली हार्वेस्टर को अब मिलने वाली है रेस्ट कुछ दिनों के लिए, और जब दोबारा इस हार्वेस्टर की ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है हम इसको यूज़ करें ही ना, और इसकी जगह पे हम लोग जो है वो एक न्यू हार्वेस्टर बाय कर लें। तो ये कुछ जो है वो मेरे अभी फ़िलहाल के लिए जो प्लान चल रहे हैं, और अभी फ़िलहाल इस छोटू ट्रैक्टर के साथ हम लोग ये कनेक्ट करने वाले हैं। क्या कनेक्ट करने वाले हैं भला? हम कनेक्ट करने वाले हैं जी स्प्रेयर, क्योंकि हमने जो है वो क्रॉप प्लांट करी है, सो इसमें जो हम वीड आ गई होंगी, सो यस वीड्स हैं भाई। और यहाँ पे यील्ड बोनस हमें मिल रहा है 20%। चलो जी, यहाँ पे स्प्रेयर होता था भाई हमारे पास एक, ये पड़ा हुआ है शायद, यस ये पड़ा है, तो इसको हम कर लेते हैं जी कनेक्ट। ये हो गया जी कनेक्ट हमारे पास स्प्रेयर, जिसमें है हर्बिसाइड, और इसको कर देते हैं जी एक्टिवेट। इस फील्ड से स्टार्ट करते हैं स्टार्ट, और अपना काम जो है वो कंटिन्यू करते हैं टू द अदर फील्ड। अगेन आई विल बी हायरिंग अ हेल्पर हेयर, और यहाँ पे ओके जी गाइस, तो ये जी अभी जितने फील्ड बाकी बचे हैं, एक इसके अलावा वो फील्ड सामने वाला बचा हुआ है, सो उसके ऊपर भी मैं कॉटन प्लांट कर दूंगा, एंड होपफुली अगले गेम प्ले में हम लोग जो है वो कॉटन हार्वेस्ट कर रहे होंगे, और लेट्स होप कि हमारे पास कम से कम इतने पैसे हो जाएं कि हम लोग जो है वो अपने लिए कॉटन हार्वेस्टर परचेज़ कर लें। सो गाइस, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की गेम प्ले का वक्त हुआ चाहता है
मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।